अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर हो, आप कैसे होंगे। कुछ टाइम से व्लॉग्स नहीं आ रहे थे क्योंकि कुछ मसरूफियात थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कोई भी वीडियो बनाने के लिए। लेकिन आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वो आज का स्पेशल इसलिए है क्योंकि मुझे एक शो में इन्विटेशन आया था और मैं वहाँ गया भी था। अब मैं वहाँ गया तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि मेरा एक्सपीरियंस का क्या रहा, क्या क्या हुआ वहाँ, क्या नहीं हुआ। तो वो तो शेयर करते हैं आगे की वीडियो में। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दिएगा ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोज़ जो जो आते जाए उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलें अब चलते हैं वीडियो की तरफ। बोल का ऑफिस देखकर समझ तो आ गया होगा आप लोगों के मैं किसी बोल के शो में गया था। जी हाँ, मैं एक बोल के शो में गया था। किस शो में गया था उसके BTS आप लोग पहले देख लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस शो में गया था। पप्पू बन गया जेंटलमैन। हाँ जी, तो मुझे लगता है कि अब बताया जाए कि मैं किस शो में गया था आखिरकार। तो जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं किस शो में गया था, और जो नहीं करते उनके लिए मैंने नीचे लिंक डाल दिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। बॉल एंटरटेनमेंट का एक शो आता है कटाकट, जिसको होस्ट करता है जैन। और मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है जैन के साथ वो बहुत ही कमाल रहा है। ठीक है, कुछ मैंने बिहाइंड द सीन्स शूट कर लिए थे। मेरा फर्स्ट टाइम शो था तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, मुझे पता नहीं था कि शोज़ में क्या होता है क्या नहीं होता, क्या चक्कर है क्या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था, फर्स्ट टाइम था मेरा। तो मैंने वहाँ पर कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं काफ़ी नर्वस था। लेकिन मैंने सोचा कि वहाँ से कुछ क्लिप्स वगैरह बना लेता हूँ और फिर आप लोगों का स्टोरी सुना दूंगा बाद में। तो खैर, वो मैं अभी आगे आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या क्या हो रहा था वहाँ पे, और फिर एंड में और बातें करेंगे। वी हैव महा एंड आजम विद अस। अस्सलाम वालेकुम महा एंड आजम, कैसे हैं आप लोग? आपको पता है हम क्या क्या कर जाते हैं इस शो पे? फिर भी आप बता दें। ओके, इसमें हम लोग भाई कटाकट बनाते हैं जी, जानबूझ के। कटाकट कौन सा वाला? खाने वाला? खाने वाले से ज्यादा स्पाइसी होता है क्योंकि इसमें लोगों के कटाकट बनते हैं और हम लोग कॉल करके सबका कटाकट बनाते हैं। और इसमें यही जो नंबर्स, आई मीन जो लोग व्यूअर्स बैठे हैं सामने, ये इन्हीं के कटाकट है। तो फिर हम अपनी दुश्मनी सारी निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे नंबर्स, ये देखें आप लिस्ट लगी है, लोगों ने अपने नंबर्स भिजवाए हैं। किसी ने अपना बताया कि मेरी बाइक चोरी हो गई है, किसी ने बोला है कि जिस चोर ने चोरी की है उसको कॉल करें। तो इस तरह बहुत सारे लोगों की लिस्ट में बस मौजूद होती है, तो उनको भी कॉल करनी होती है। तो आप लोगों के बीच दुश्मन वाला है, इससे यकीन कैसे किया? नाम चेक करे, यहाँ पे तो यकीन कर भी नहीं सकते वैसे भी। हाँ, देखो, यकीन कैसे किया? उसने यकीन कर लिया, लेकिन मजे की बात यह है कि अभी तक हुआ कुछ नहीं है। नहीं हुआ। अच्छा, ये क्या बातें चल रही हैं आपको पता चलेगा क्योंकि शो स्टार्ट हो चुका है और इनको नजर आ रहा है कि मैं किस किस को कॉल करने वाला हूँ। आज आप ही के दिए गए नंबर पे कॉल होंगी, लेकिन हमारे साथ क्योंकि गेस्ट मौजूद हैं तो उनसे बातचीत करेंगे। आजिम हमारे साथ हैं, सबसे पहले आजिम से बात करेंगे। आजिम, आप कौन है और क्या चाहते हैं लाइफ से, क्यों हैं आप? मैं ब्लॉगर हूं और ब्लॉगर भी हूं। ब्लॉगर और ब्लॉगर क्या होते हैं बताएं लोगों को, पहले तो समझाएं। इंस्टाग्राम पे जो फूड ब्लॉगिंग करते हैं या फिर फूड टेस्टिंग वगैरह करके जो रिव्यूज देते हैं वो ब्लॉगर्स होते हैं। तो मैं फूड टेस्टिंग करता हूँ, उसके रिव्यूज देता हूँ। इसके अलावा खाना खा के बताता हूँ कि कैसा है। कैसा? आसान लफ्जों में बताऊँ भाई, ये इनका काम पता है क्या? बहुत आसान काम है, ये कहीं भी जाते हैं खाना खा के बता देते हैं कैसा है। ये बहुत मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम ये है कि खाने का बताना कि वो कैसा है और सच बताना। सच बताना
अच्छा बताते हो सच एकदम सच हां लग रहा है सही से अच्छा आगे बताओ और इसके अलावा ट्रैवलिंग व्लॉग्स और फैशन पर फैशन पे क्या करते हो फैशन पे ब्लॉगिंग भी करता हूं ब्लॉगिंग भी करता हूं ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग तो पता चल गया तेज करके बताते हो कपड़ों का बताओ लोगों को आसान उर्दू में कपड़ों को कपड़े पहन के बताते हो कि ये अच्छे हैं ये बुरे हैं ट्रेंड ये है इस तरह की बातें करते हो यानी कि लोगों को अपडेट रखते हो लाइफस्टाइल से इन शॉर्ट ओके इसके अलावा क्या करते हो ये तो तुम्हारा शौक है इसके अलावा मैं बीबीए का स्टूडेंट अच्छा बीबीए कहाँ से कर रहे हो कैसबेट से और बीबीए करने के बाद क्या करना है बिजनेस किस चीज का रेस्टोरेंट का और दो तीन और भी काफी बिजनेस रेस्टोरेंट तुमने क्योंकि खाया बहुत है लोगों का तो मैं चाहता हूँ कि तुम वापस करो कहते ना गिव एंड टेक होनी चाहिए तो फिर तुम वापस को बुलाओगे रेस्टोरेंट तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस ज्यादा ठीक है रेस्टोरेंट की तरफ है ना तो कुछ और सोचना भी नहीं अच्छा ट्रस्ट मी क्योंकि जिस फील्ड में आपको अच्छा खासा वक्त हो जाए ना फिर आपको उसकी डू एंड डोंट्स का पता चल जाता है आप समझ जाते हो कि इसमें क्या करना है किस फोटोग्राफर से तस्वीरें खिंचवानी है किसको काम करना है किसने पैसे खा लेने हैं अगर आप लोगों ने नहीं देखा बोलकर कटाकट तो इसमें लोगों को कटाकट बनाया जाता है मतलब कि लोगों को प्रैंक कॉल्स की जाती है लोगों से मजाक किए जाते हैं तो फुल एंटरटेनिंग शो है बहुत मजा आया था मुझे इस शो में जाके और ऐसा नहीं था कि फेक कॉल्स होती हों हमें ऐसा लगता था कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है नहीं ऐसा कोई सीन नहीं था मैंने खुद ही देखा स्क्रीन पर नंबर्स चल रहे थे वो रैंडम नंबर्स को हम लोग कॉल हम तो नहीं सहन कॉल कर रहा था बेसिकली जो कि हमारा होस्ट था ठीक है वो कॉल कर रहा था और बातचीत हो रही थी और अगर आपने मेरा वाला शो देखना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है वहाँ से जाके आप लोग मेरा कंप्लीट शो देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या हुआ था बिहाइंड द सीन्स मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं और मुझे आप लोगों सबका बहुत शुक्रिया अदा करना था कि आप लोगों ने मुझे इस लेवल पर पहुंचाया है कि अब मुझे शो से इनविटेशंस आ रहे हैं तो इसी तरह से प्यार और मोहब्बत देते रहें ताकि आपका भाई आगे तरक्की करता रहे ठीक है तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो ये कैसी लगी